ब्लॉगर की जिंदगी पैकिंग कर रही, अब जाते हैं बाइक पे बैठ के आपको वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस, लोडिंग अनलोडिंग जो भी करना था हो गया। वैसे लोडिंग करनी थी, अनलोडिंग थोड़ा करनी थी, अनलोडिंग तो अब जाके करेंगे। तो अब हम निकल चुके हैं सरकंडा देवी के लिए। हाँ, आगे जा रहे हैं उमेश भाई चौधरी साहब, ये आगे आगे बाइक उनकी चल रही है, ये हाथ दिखाते हुए राइडर साहब। तो सरकंडा देवी यहाँ से 3 घंटे 34 किलोमीटर दिखा रहा है, 125 किलोमीटर। तो अगर रास्ते में कुछ दिखा तो आपको दिखाएंगे, वरना पहुँच के आपको ब्लॉग दिखाते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो आगे चल के देखते हैं। सुबह हवा ज़बरदस्त थी भाई, एक बार ना तेरे पास उसका मिस्त्री का नंबर नहीं है क्या रॉयल एनफील्ड में? श्रीनगर में है, श्रीनगर में है। हाँ, यहाँ दिखा लेते हैं, एक जनरल चेक करवा लेंगे। हाँ, वो भी दिखा दे, एक जनरल चेक भी करवा ले, सब ठीक है ना? ऑयल वॉयल चेन वेन सब ठीक है ना? मेरी तो वारंटी भाई, मुझे तो कुछ भी चेक करवा लूँ, मेरा तो कोई पैसा भी नहीं लगना। इन्हीं वादियों में तो इंसान आता है थोड़ा सुख की चैन शांति पाने। अरे ओ हेलो, मैंने कहा इन्हीं वादियों में तो सुख शांति की थोड़ी सी जिंदगी जीने आता है एक दो दिन की। इंसान भागा दौड़ी से निकल के खाना ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई ढंग की नाश्ते की जगह नहीं मिली। नाश्ते की जैसी जगह मिलती है वहाँ नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर आगे निकलेंगे। भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं यार एक ही थिनर लेके आया, एक ही थिनर कह रहा हूँ, इनर एक ही लेके आया हूँ। थर्मल मैं दूसरा ढूंढ रहा हूँ, यहाँ कहने साइज़ ही नहीं है, बड़े साइज़ रखे नहीं। 3-4 दुकानें ढूंढ ली। तो देखते हैं आगे चल के नाश्ता कहाँ करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर आगे निकलेंगे। बाकी आप यहाँ देखते रहो वादियाँ, वो सामने पहाड़ और ये मार्केट, मार्केट के बीच में से हम जा रहे हैं। आगे चौधरी साहब चल रहे हैं, चौधरी साहब लग रहे हैं अब राइडर। इतना खर्चा कर दिया राइडर, अब नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे हैं? भाई हम जा रहे थे, पहले अच्छी खासी चौड़ी रोड थी भाइयों। गाइस ये तो सिंगल रोड है, छोटी सी रोड है, यहाँ से हम करते जा रहे हैं राइड, यहाँ से दिखा रहा रास्ता। तो अभी 3 घंटे 8 मिनट दिखा रहा, और अगर ऐसा ही रहा तो वाकई में 3 घंटे 8 मिनट लगने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं सरकंडा देवी। हाँ, टहरी होते हुए, न्यू टहरी है, टहरी जो भी टहरी होते हुए जा रहे हैं। तो ये रास्ता है, पतले पतली गलियों में से होते हुए जा रहे हैं। तो भाई यही गाइस यही रास्ता है, अब देखते हैं आगे पार चल के अगर कुछ दिखा तो आपको व्लॉग में दिखाता हूँ, अन्यथा हम वहाँ पहुँच के आपको दर्शन कराएंगे। तो भाई लोगों, ये रास्ता ख़त्म नहीं होने पा रहा भाई, 90 किलोमीटर का रास्ता, अभी 46 किलोमीटर अभी भी पड़ा हुआ है। हमें पतला सा रास्ता है, चली जा रहा है। अभी भी 1 घंटा 28 मिनट गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो चल रहा है। हमने स्पीड मेंटेन भी रखी हुई है थोड़ी बहुत, पर फिर भी काफ़ी देर लगी रही है, क्योंकि ये रास्ता बड़ा घुमावदार है, बहुत सारे कट है इस रास्ते में। और हमारे आगे जो राइडर उमेश चौधरी जी जा रहे हैं, वो तो स्लाइड करते हुए जा रहे हैं भाई साहब, यहीं पले पड़े हैं घाटा की गाड़ियों में। ये पहाड़ी हैं बैक एंड से, पिछले से ये पहाड़ी हैं, इनको पता है सारे रास्ते। और इस रास्ते में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने अपना GoPro ऑन नहीं किया, क्योंकि बेसिकली गोल 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 घूमना ही है, क्या दिखाऊंगा यहाँ, एक ही चीज़ बार बार दिखाता रहूँगा। तो अब बेसिकली पहुँचूँगा ना, तब वहाँ GoPro ऑन करूँगा, तब दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं।
बाकी रही, हमने छोटा सा एक शॉर्ट ब्रेक लिया था, थक गए थे बाइक चलाते चलाते, पीछे रुके थे, तो उसके बाद से अब हम चल ही रहे हैं। वहाँ पहुँच के ऑन करूँगा ब्लॉग, मतलब अपना गोप्रो वहाँ पहुँच के ऑन करूँगा, तब तक के लिए सी यू टाटा बाय बाय। तो लास्ट में है, तब तक के लिए अभी ब्रेक लेंगे, तब वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे कैसा रिजॉर्ट है, कहाँ रुकने वाले हम, और फिर सरकंडा देवी आज जाएंगे कि कल जाएंगे ये वहाँ पहुँच के पता चलेगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो रोड ख़त्म हो गई जो सुनसान थी, अब हम शहर के बीच में से होते हुए जा रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन, हमारा रिजॉर्ट जो है वो 23 किलोमीटर दिखा रहा है और ऑलमोस्ट 44 मिनट दिखा रहा है, तो ये शहरों शहरों का जाम होगा, होपफुली वो रोड दोबारा ना आए। बड़ा थका दिया उस रोड ने तो कसम से। और हमारे सामने जो उमेश जी जा रहे हैं, उनका बैग अनलोड हो गया था, टेढ़ा हो रहा था, जो मैंने अब सेट किया मैंने लेफ्ट हो लिया बाजार की साइड, सीधा सीधा बाजार में, यहीं जा रहा रास्ता। ये तो भाई मार्केट अच्छी खासी, यहाँ थर्मल मिल जाएगा है कोई ये ओसवाल वाले पे पूछता हूँ, दो मिनट रुक पूछता हूँ। लेकिन मेरे को साइज हैं मिल जाएगा, भैया नहीं है ना जी यहाँ पे, है नहीं भैया नहीं है, चलो कोई नहीं फिर। पीछे पैदल जाना पड़ेगा, चल जाता हूँ, मुश्किल है। तू जा रे बाबा तू जा, और याद रखना अगर आए हाँ वही मैंने कहा। तो भाई ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। तो भाई अगर वीडियो आप देख ले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि और भी अच्छे अच्छे अवेलेबल कंटेंट्स आपको दिखते रहें। ऐसी जगह मतलब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आए हैं लोग, ऐसा नहीं है, बट कम आए हैं। दीज आर वन ऑफ दोज अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन उत्तराखंड। तो अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो देख लेना यार, फॉर व्हाटएवर रीज़न लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे बने रहना। अब इस रास्ते से हम जा रहे हैं सरकंडा देवी टेंपल, अब आगे आगे रिजॉर्ट पहुंचेंगे, रिजॉर्ट पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं रिजॉर्ट कैसा है, रिजॉर्ट का व्यू क्या है, रूम टूर देंगे। हालांकि थोड़ा सा रहता है अभी दूर है, बट जा तो रही हैं।
भाई पहुंच गए हम यार रिजॉर्ट में, साधु रिजॉर्ट है वैसे, लोकेशन काफ़ी तगड़ी है। बाहर से आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये देखो हमारा एक रूम टूर की एंट्री हो जाए। यहाँ से रूम है हमारा, रूम क्या कॉटेज बना रखा है, छोटे छोटे कमरे का कॉटेज। एक छोटा सा ये जगह है चाय पानी पीने के लिए, क्लासिक। ये बड़ा सा एक बेडरूम है, यहाँ दो जने सो सकते हैं। थोड़ा सामान बिखरा पड़ा है हमारा, क्या करें भाई ट्रैवलर की ज़िंदगी। ये क्लोज़ेट है, क्लोज़ेट ठीक है, मतलब ये वॉशरूम है। और उमेश भाई नहीं आना नहाने, और भाई बेडरूम से व्यू देखो भाई साहब, क्या चुमेश्वरी व्यू है, खतरनाक। ये शीशे में थोड़े से पेंट पोंट हो रखे हैं, वरना तो भाई साहब गजब व्यू। धूप भी पड़ रही है, पता नहीं कैसा आ रहा होगा, बट व्यू देखो भाई क्या गजब है, एकदम मस्त व्यू। अब हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान ये है भाई, अब हम जाने वाले हैं सरगंडा देवी टेंपल। कह रहे हैं कि 5 बजे आरती होती है, तो 4:30 बजे तक रोप वे होता है। हो सकता है हम रोप वे से जाएँ और पैदल वापस आ जाएँ, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत है। उसके अलावा फिर आते हैं, फिर उसके अलावा हमारा प्लान तो और कुछ है नहीं। और धूप पड़ गई सामने से, ओह हो। उसके अलावा हमारा कोई ऐसा खास प्लान है नहीं आज का। फिर उसके बाद हम वापस आएंगे, आएंगे होटल में थोड़ा आराम आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। उसके बाद कल सुबह निकलेंगे अपना मसूरी होते हुए हरिद्वार, मसूरी भी शायद चले जाएँ। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। देखते हो अगर यार तो सब्सक्राइब कर दिया करो, यहाँ तक देख लिया तो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर जो भी अच्छा लगे बता देना कमेंट सेक्शन में, नहीं अच्छा लगे तो भी बता देना, ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने के लिए, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने की कोशिश करेंगे विद इम्प्रूवमेंट्स। सो डू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं आपको सरकंडा देवी मंदिर, अभी आपको दिखाते हैं नीचे से कैसे जाते हैं। थैंक्स, निकल पड़े भाई सरकंडा देवी टेंपल देखने। ये भाई आए नहा धो के, मैं भी नहा धो के आया हूँ। जा रहे हैं सीधा, ये रास्ता जा रहा है आगे रोपवे की तरफ। टाइम हो रहा है 4:15, कह रहे हैं 4:30 तक रोपवे होती है, फटाफट जाके पहुँचना पड़ेगा। तो आगे व्लॉग में थोड़ा सा डिले दिखाता हूँ, आगे सीधा ऊपर चल के मिलते हैं। भाई थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ गया है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, फाइनली रोप वे पर पहुँच गए हैं। अभी इस रोप वे से लिफ्ट से बैठ के जाएंगे, अभी आगे उसमें बैठ के दिखाते हैं क्या व्यू है। यही चढ़ाई चढ़नी होती है, आधे रास्ते में सरगंडा देवी खुद लेने आ जाती है। दिल बाहर निकल गया हाथ में आ जाता, इतनी तगड़ी चढ़ाई है, प्लेन और खड़ी चढ़ाई। भाई कसम से बहुत मुश्किल चढ़ाई है। भाई रोप वे की जो ट्रॉली है ये डक 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 कर रही है, और ऊपर से जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं ऊपर, ऐसे आना पैदल है। आने वाला रास्ता भी दिखाएंगे कैसा है, बट नो आइडिया। वो देखो ये है भाई व्यू, इतनी ऊपर आ गए हैं वो, वहाँ से नीचे से वो ऊपर आ गए हैं, देखते आगे चल के। भाई फाइनली ऊपर पहुँच गए, यहाँ से एंट्री है, ये मंदिर की एंट्री है, और ये नज़ारे हैं बाहर के। चढ़ाई बहुत कठिन है भाई, जिसमें आना पहले आ जाओ, 4:30 बजे लास्ट है नीचे जाने का एग्जिट लिफ्ट से, वैसे आप पैदल जा सकते हो, पर ऊपर चढ़ाई बहुत कठिन है भाई हमारे लिए तो। क्या चाहिए भाई, भगवान बचाए। चलो ऊपर चलते देखते हैं। ये ऊपर का कुछ व्यू है, ये देवी मंदिर है, और ये सामने का व्यू है। चलो अंदर से देखते हैं। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सबके इकट्ठे होते हैं, वो बांटते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। प्रसाद बनाओ भाई, क्या व्यू है सामने का, कैमरा जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा, पर व्यू बहुत तगड़ा है ऊपर से। ये मंदिर है सरकंडा देवी मंदिर,
दर्शन हो गए। तो भाई कोई कहता है कि आरती होती है शाम को 7 बजे, कोई कहता है 5 बजे, कोई कहता है 6 बजे। नाउ इट डिपेंड्स टोटली ऑन पंडित जी कब आरती करते हैं, किस टाइम पे करते हैं। बाकी ये अंधेरा क्यों है, शायद रोशनी में आया। तो किस टाइम पे करते हैं, कब करते हैं आरती, ये तो टोटली डिपेंड्स ऑन पंडित जी। बाकी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, व्यू बहुत तगड़े हैं, 2-4 फोटो सेशन कर लेते हैं, वो मैं दिखा दूँगा और फिर उतरते हैं नीचे भी।